हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज वसंत भाग 3 का पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया की पुनरावृत्ति करते हैं। यह पाठ जो है प्रसिद्ध लेखक अरविंद कुमार सिंह जी द्वारा रचित है। इस पाठ में लेखक ने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के माध्यम से लोगों के बीच संदेश पहुंचाने में पत्रों के की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसके बारे में कहा है। पत्रों के माध्यम से व्यक्तिगत भावनात्मक संदेशों या आवश्यक सूचना संदेश किसी भी जगह रहने वाले लोगों को सूचित किया जा सकता है। पत्र वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मनोभावों को व्यक्त कर सकते हैं। आधुनिक काल में तमाम आधुनिक संचार माध्यमों के रहने के बावजूद दूर दराज के क्षेत्रों में सूचनाओं एवं भावनाओं के आदान प्रदान का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम पत्र ही है। साहित्य को समृद्ध करने में पत्र साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत पत्र लेखन का बृहद स्तर पर विकास हुआ। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, निराला पंत, प्रेमचंद आदि के पत्र आज भी पठनीय एवं विचारणीय है। डाक विभाग अब संचार मंत्रालय के अंतर्गत आ गया है कि विश्वसनीयता अभी भी लोगों के बीच कायम है और डाकिये का महत्व इसी से पता चलता है कि लोगों के बीच उसकी छवि आज भी देवदूत के समान है। फिर इसके पश्चात थोड़ा लेखक परिचय जान लेते हैं कि प्रख्यात लेखक और वरिष्ठ पत्रकार श्री अरविंद कुमार सिंह जी का जन्म 7 अप्रैल 1965 को बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कला स्नातक की उपाधि अर्जित की। पिछले 2 दशकों से आप हिंदी पत्रकारिता में सक्रिय हैं। जनसत्ता, अमर उजाला इत्यादि पत्रों से जुड़े रहने वाले अरविंद जी को हिंदी सेवी संस्था सम्मान, इफ्को राजभाषा सम्मान इत्यादि अनेक सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा उनकी लिखी किताब भारतीय डाक सदियों का सफरनामा का प्रकाशन भी किया जा चुका है। इस पाठ में उन्होंने चिट्ठियों के महत्व के बारे में बताया कि चिट्ठियाँ कितनी महत्वपूर्ण है, आज भी इसकी प्रासंगिकता है। पहले तो थी ही, लेकिन आज जबकि अत्याधुनिक संचार साधन आ गए हैं उसके बावजूद जो है चिट्ठियों का महत्व अभी भी बना हुआ है, इसके बारे में उन्होंने बताया है। और किस तरह से चिट्ठियाँ हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और किस तरह से हम अपने मनोभावों को इन चिट्ठियों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं इसके बारे में उन्होंने इस पाठ में बताया है। इसमें ये बताते हैं, कहते हैं कि पत्रों की दुनिया अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वे अत्याधुनिक साधन नहीं कर सकते हैं। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी ये पत्र ही हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों की अनूठी भूमिका रही है। कुल मिलाकर के ये बात निश्चित रूप से प्रमाणित है कि जो पत्रों की दुनिया है वह हमारे लिए बड़ी ही उसकी उपयोगिता है। और पत्र जो है हमें वो संदेश, मतलब
इतने पत्र हमें मानसिक संतोष देते हैं, वह संतोष हमें SMS से नहीं मिलता। पत्रों का भाव सब एक जगह सा होता है, सब जगह एक सा होता है, भले ही उसका नाम अलग हो, परंतु उसके नाम अलग अलग होने पर भी इनका जो है कार्य एक ही है, लोगों के मनोभावों को व्यक्त करना। पत्रों को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम जाम्बू और लेख तथा तमिल में कडित इत्यादि कहते हैं। मैंने भाव सभी का जगह पत्र का प्रयोग है, भले ही उसका नाम अलग अलग है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा, सभी की अपनी सीमा होती है और उसी सीमा में लोग पत्र लिखते हैं। दुनिया भर के में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते हुए अपने तमाम ठिकानों पर पहुंचते हैं। पत्र जो है इतना अत्याधुनिक साधन होने के बावजूद भी पत्रों का प्रचलन अभी भी कम नहीं हुआ है। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं और ये साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। अहमियत का अर्थ क्या है? महत्व। अहमियत का अर्थ है महत्व। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारा या फिर तेज घोड़े रहे हैं। हरकारा बोलते हैं इन पत्रवाहकों को, तो कहते हैं कि हजारों सालों तक ये हरकारे ही पत्र का संचार का माध्यम बने रहे। उनके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। पहिए आए मतलब पहिए वाले वाहन आए जिनके माध्यम से पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाने लगा। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया बदल रहा है। मतलब इसके पश्चात जो है पत्र के बाद थोड़ी तीव्रता से समाचार पहुंचाने का माध्यम बनी तार, जो कि अब प्रचलन में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इनके पत्र संचार के माध्यम में बहुत संचार के साधनों में बहुत ही प्रगति हो गई है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पिछली शताब्दी में जो है पत्र को एक कला के रूप में माना गया और पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में भी पत्र का प्रयोग किया गया। पत्र का विकास जो है किया गया, जिसके मतलब स्कूल में पाठ्यक्रम में इसको प्रयोग किया गया, पाठ्यक्रम में इसे रखा गया, जिससे कि इसका प्रचलन कम ना हो। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये पत्र चले और डाक संघ द्वारा अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए गए। भारतीय डाक संघ ने भी पत्रों के प्रचार के लिए बहुत सा प्रयास किया और उन्होंने एक प्रतियोगिता आयोजित की जो 16 वर्ष के कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए थी। ये प्रतियोगिता सन 1972 से चालू की गई। यह सही है कि खास तौर पर ये बड़े शहरों और महानगरों के संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्र की आवाजाही प्रभावित हुई है। बड़े शहरों में जो है पत्र की आवाजाही, आना जाना पत्रों का प्रभावित हुआ है, परंतु देहाती दुनिया आज भी पत्र पर ही टिकी हुई है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसमें जो है लोगों ने ज़्यादा मोबाइल का प्रयोग जब से शुरू किया तब से पत्र लेखन का कार्य कम होने लगा है, लेकिन व्यापार के क्षेत्र में इसका प्रयोग अभी भी होता आ रहा है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर अलग बारीकी से उसकी तह में जाएं
तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी पत्र ही ना लिखा हो। लेखक ये कह रहे हैं कि अगर हम पत्रों के बारीकी से पत्रों का अध्ययन करें तो हमको ये पता चलता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कभी पत्र लिखा ही ना हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उनकी कोई मिसाल नहीं। मिसाल मिसाल का अर्थ है उदाहरण, मतलब कि हमारे सैनिक जो है, जो सीमा की रक्षा करते हैं और सीमा पर बैठे हैं, तैनात हैं, वे अपने घर से बहुत कई मील दूर पे रहते हैं और उनको बड़ी बेसब्री से वे पत्र का इंतज़ार करते हैं। उनकी कोई से उनका उनके जो इस इंतज़ार का उनके इस इंतज़ार का कोई उदाहरण दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों से इंतज़ार करते थे, पर अब ये बात नहीं है क्योंकि संचार साधन जो है बड़े ही तीव्र गति वाले हो गए हैं और जिसके कारण बड़ी आसानी से और बहुत जल्दी ही हमें पत्र प्राप्त हो जाते हैं। आज देश में ऐसे लोग भी की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। बहुत सारे लोग आज देश में ऐसे हैं जो अपने पुरखों यानी पूर्वजों की चिट्ठियों को एक विरासत के रूप में संजो कर रखे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग इस देश में अभी हैं। फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान आदि रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय बनी हुई है। कह रहे हैं कि ये जो पत्र, बड़े बड़े जो कवि हैं, लेखक हैं, ये सब इनके लिखे हुए पत्र आज भी लोग जो है बड़े माने उनके प्रति उनके खोजी रवैया लोग अपना करके उनके पीछे अनुसंधान कार्य का वे अपना विषय बनाए हुए हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा जी को फोन करते, तब ये पिता के पत्र पुत्री के नाम न लिखे जाते। लेखक कह रहे हैं कि अगर आज की तरह तेज माध्यम वाले ये संचार के साधन होते तो शायद ये वो दिन कभी ना आता जब नेहरू जी अपने पुत्री को पत्र लिखते और उनका पत्र, पिता का पत्र पुत्री के नाम कभी हमें देखने को भी नहीं मिलता। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं, मतलब यहाँ पे लेखक ये बता रहे हैं कि SMS का जो संदेश है वो जल्दी से जितना हम पा जाते हैं उतना ही जल्दी उसकी छाप भी मिट जाती है, लेकिन पत्र की छाप जो है मिटती नहीं है क्योंकि पत्र को हम बहुत समय तक संजो कर रख सकते हैं जबकि SMS को हम संजो कर नहीं रख सकते हैं ना। इस बात से हम सभी सहमत होंगे। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि दुनिया के तमाम संग्रहालयों में जो हमारी जानी मानी हस्तियां हैं देश की, उनके पत्र अभी भी रखे हुए हैं, संजो कर रखे गए हैं और अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों के पत्र लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक बन गए। इन पत्रों से ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो पत्र हैं वे काफी टिकाऊ होते हैं और बहुत दिनों तक हम उन्हें रख सकते हैं, काफी दिनों तक उनकी छाप रह सकती है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया करके आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वे वहाँ तक ही पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन के की कई अन्य दिग्गज जो हस्तियाँ हैं उनके उनके भी पत्र इसी प्रकार के हैं रहे और वे पत्र उनके तक पहुँच जाते थे। गांधी जी के पास देश दुनिया की बड़ी बड़ी बड़े बड़े लोगों के पत्र बड़ी संख्या में पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने में गांधी जी कभी पीछे नहीं रहते थे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था
उसी समय में उसका जवाब तुरंत लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ थक जाता था तो वे बाएं हाथ से कार्य करने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी जी ही नहीं आंदोलन के तमाम जो बड़े नेता हैं, उन्होंने नायक हैं, उन्होंने भी ऐसा इसी रास्ते को अपनाया था। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को बड़े ही संजो कर रखे रहते हैं और एक प्रशस्ति पत्र के रूप में रखे रहते थे। प्रशस्ति पत्र मतलब कि जो तारीफ के लिए जो पत्र मिलता है, प्रशंसा के लिए जो प्रमाण पत्र मिलता है, उस पत्र के रूप में उन गांधी जी के और बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के लिखे हुए पत्र लोग उसको संजो कर रखे रहते थे। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर कई भाषाओं को की भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। बहुत सारे पत्र ऐसे हैं जिन पर किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है, है ना। दस्तावेज का अर्थ होता है प्रमाण संबंधी कागजात। प्रमाण से संबंधित जो कागजात होते हैं उसको दस्तावेज कहते हैं। तो ये पत्र जो बड़े बड़े लोगों के हैं, जो लोग संजो कर रखे हैं, किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन जी के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा तथा पत्रों के आईने से दयानंद सरस्वती सत्वी समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। लेखक बड़े बड़े लोगों के लिखे हुए पत्रों को गिनवाते हैं और कहते हैं ये प्रमाण है कि लोगों ने पत्र लिखे और उन पत्रों को लोगों ने एक दस्तावेज के रूप में, प्रमाण पत्र के रूप में संजोकर संभाल कर रखा है। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे और पत्रों के जवाब में से बहुत पत्रों के जवाब देने में बड़े मुस्तैद थे। मुस्तैद माने एकदम तैयार रहने को बोलते हैं मुस्तैद। इसी प्रकार नेहरू और गांधी जी भी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र जो है बड़े ही प्रेरक होते हैं। महात्मा गांधी और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है जिसमें बहुत से नए तथ्य और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा भी मिलता है। तो पत्र वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम व्यक्ति के, अगर हम 10 साल बाद भी पढ़ें तो उस पत्र के माध्यम से हम उस व्यक्ति के मानसिक स्थिति का पता लगा सकते हैं कि वो किस मनोदशा में वो पत्र लिखा है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है पर इसका असली विकास आज़ादी के समय हुआ। कह रहे हैं कि पत्र लेखन की जो परंपरा है भारत में काफ़ी पुरानी है। बहुत प्राचीन काल से भारत में पत्र लिखे जाते हैं पर अंग्रेज़ों से आज़ाद करने के समय जो पत्र लिखे गए वह जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। गुडविल का अर्थ होता है अच्छी छवि। इसकी एक खास वजह यह है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करती है। पत्र जो है लोगों को जोड़ने का काम करती है क्योंकि पत्र के माध्यम से ही हम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। मतलब चिट्ठी पत्री की जो हैसियत है वो कभी भी कम नहीं हुई है। ये हमेशा रही और आगे भी रहेगी। शहरी इलाकों में आलिशान हवेलियाँ हों या फिर झोपड़ पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढांडियों में रह रहे लोग, आज भी खातों का ही सबसे अधिक
आज भी खतों का ही सबसे अधिक प्रयोग होता है, मतलब कहीं दुर्गम स्थान पे भी पत्रों की पहुंच है और अपने भावनाओं के आदान प्रदान के लिए लोग पत्रों का प्रयोग करते रहते हैं। ठीक है, डांडी का अर्थ है अस्थाई निवास या मकान, जहाँ पे लोग अस्थाई रूप से रहते हैं। अब एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों में के दरवाजे तक पहुंचते हैं। पत्रों की अहमियत इस बात से पता चलती है कि आज भी बहुत सारे लोग अपने कार्य के कारण डाकघर के दरवाजे तक पहुंचते हैं। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था मनी ऑर्डर के द्वारा ही चलते हैं। मनी ऑर्डर एक तरह की अर्थव्यवस्था है जो कि जो है डाकियों द्वारा ही भेजी जाती है, मतलब लोग भेजते हैं, उसको डाके ही पहुंचाते हैं। तो बहुतों का चूल्हा जलना भी इस मनी ऑर्डर पर निर्भर है। गांव के गरीब व्यक्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाले देवदूत डॉक्टर जो डाकिये होते हैं वे देवदूत से कम नहीं, उनकी छवि उनके मन में देवदूत के समान ही है। मतलब कि डाकिये जब उनके द्वार पर पहुंचते हैं तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि उनके दरवाजे पे कोई डाकिया आ गया है। अब आप जो है एक अवतरण है इसी का, उसी से कुछ प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए क्या किया गया? पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में इसका प्रयोग किया गया, इसे रखा गया, और साथ ही डाकघर माने विश्व डाकघर के द्वारा, यहाँ पे एक विश्व डाक संघ के द्वारा 16 वर्ष के कम आयु वर्ग के लिए एक प्रतियोगिता प्रारंभ की गई, जिससे जो है सॉरी जो कि 1972 से शुरू हुई है। विश्व डाक संघ ने पत्र लेखन को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किया? विश्व डाक संघ ने पत्र लेखन को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिता का शुभारंभ किया कि 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए एक प्रतियोगिता रखी, जिससे जो है पत्र के क्षेत्र में बहुत ही उन्नति हुई। पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला कब से प्रारंभ हुआ? पाठ के अनुसार ये पत्र लेखन का सिलसिला जो है पत्र लेखन प्रतियोगिता का सिलसिला सन 1972 से प्रारंभ हुआ। विश्व डाक संघ ने किसके लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करानी प्रारंभ की? विश्व डाक संघ ने पत्र लेखन प्रतियोगिताएं जो है 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए करानी प्रारंभ की। अगला प्रश्न है कि पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने कौन सा रूप ग्रहण किया? पिछली शताब्दी ने पत्र लेखन ने एक कला का रूप ग्रहण किया। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ग्रहण किया। इसके पश्चात प्रश्न है कि पंत जी ने किसके नाम पत्र लिखा था? पंत जी ने बच्चन के नाम पत्र लिखा था। इसका उत्तर है किसी दस्तावेज से कम नहीं, क्या क्या कम नहीं, ये पत्र जो है किसी दस्तावेज से कम नहीं होते। अगला प्रश्न है नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब कौन देते थे? नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे प्रेमचंद जी, जो कि नए लेखकों को उत्साहित करना चाहते थे। सन 1915 से 1941 के बीच की अवधि का किनके पत्राचारों का संग्रह प्रकाशित हुआ है? 1915 से लेकर 1941 तक के बीच में महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच में जो पत्राचार हुए हैं उन पत्राचारों का संग्रह प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी, महात्मा और कवि किनके बीच के पत्राचार का संग्रह है? महात्मा और कवि किनके बीच के पत्राचार का संग्रह है? इसका सही उत्तर है कि महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर।
अगला प्रश्न इसमें है कि दुनिया में तमाम साहित्य किस पर केंद्रित है? पत्रों पर, एसएमएस पर, फोन पर और मनी ऑर्डर पर? तमाम साहित्य जो है पत्रों पर केंद्रित है। पत्रों को ही डायरी के रूप में, पत्रों को ही लोग जो है संजो कर रखते हैं और पुस्तक के रूप में वह निकाले प्रकाशित किए जा चुके हैं, जाते रहे हैं। पत्र को तमिल भाषा में क्या कहते हैं? पत्र जो है तमिल भाषा में जांबू के नाम से जाना जाता है। पत्र को हम तमिल भाषा में क्या कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है कि पत्र को तमिल भाषा में कडित के रूप में जानते हैं, इसको कडित कहते हैं। पिता के पत्र पुत्री के नाम किसने लिखे? ये इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे कैसे जलते हैं? लाखों दूर दराज के लाखों घरों में चूल्हे जो है वह मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था के माध्यम से जलते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर है। इसके पश्चात हम लोग कुछ और पर प्रश्न करेंगे। इसके पश्चात अगला प्रश्न है कि गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया किस रूप में देखा जाता है? जैसा कि हम लोगों ने पाठ में पढ़ा कि ये जो है देवदूत के रूप में देखे जाते हैं। अति लघु प्रश्न अब कुछ करेंगे। पत्र को पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने कौन सा रूप ले लिया? पिछली शताब्दी में पत्र ने कला का रूप ले लिया। पिछली शताब्दी में पत्र ने कला का रूप धारण कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है कि कन्नड़ भाषा में पत्र को क्या कहते हैं? कन्नड़ भाषा में पत्र को कागद कहते हैं। कन्नड़ भाषा में पत्र को कागद कहते हैं। विश्व डाक संघ की ओर से सन 1972 में कौन सा सिलसिला शुरू हुआ? पत्र लेखन प्रतियोगिता। 16 वर्ष के से कम आयु वर्ग के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता का सिलसिला आरंभ हुआ। तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी यादगार का धरोहर क्या है? ये पत्र ही हैं। महात्मा गांधी, महात्मा और कवि नामक पत्र संग्रह का महत्व क्या है कि इन लोगों के बीच में महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच में जो पत्राचार हुए उन्हीं पर ये है, तो इसलिए इसका विशेष रूप से महत्व इसको विशेष रूप से महत्व दिया जाता है। पत्रों का जवाब देने में किनका कोई जोड़ नहीं है? पत्रों का जवाब देने में महात्मा गांधी जी का कोई जोड़ नहीं है। मतलब जैसे ही पत्र आते थे वो वैसे ही उन पत्रों का जवाब देते थे। पत्रों के मामले में प्रेमचंद की क्या विशेषता थी? इस प्रश्न का जवाब है कि पत्रों के मामले में प्रेमचंद की ये विशेषता थी कि वे लोगों को प्रेरक पत्र जवाब में देते थे। लोगों को प्रेरणा देने के लिए पत्र, जो नए युवा कवि हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं, उनको प्रेरणा देने के लिए लिखते थे। अनेक सरकारी विभागों की तुलना में किस विभाग को गुडविल सबसे ज़्यादा है? यहाँ इसका है डाक विभाग की गुडविल सबसे ज़्यादा है। ठीक है, डाक विभाग की गुडविल सबसे ज़्यादा है। भिन्न भिन्न भाषाओं में अलग अलग नाम से पत्र जाने जाते हैं। हाँ, तो इन नामों को के ऊपर हमें चर्चा करना है कि भिन्न भिन्न भाषाओं में किस किस नाम से पत्र को जानते हैं। जैसे कि पत्र को उर्दू में खत कहते हैं और संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में इसे कागज कहते हैं, तेलुगु में इसे उत्तरम जांबू और लेख तथा तमिल भाषा में इसे कडित कहकर पुकारते हैं। तो हर भाषा में इसका अलग अलग नाम है। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए क्या प्रयास किए गए? पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए एक प्रतियोगिता विश्व डाक संघ की ओर से एक प्रतियोगिता आरंभ की गई, जिसके तहत 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए
प्रतियोगिता रखी गई जिसमें कि जिससे कि पत्र संस्कृति का विकास हो। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि संचार माध्यमों के विकास ने किस प्रकार पत्र संस्कृति को प्रभावित किया। संचार माध्यमों के विकास ने, जैसे कि ये SMS है, ट्विटर और इन सभी ने एक तरह से दुष्प्रभावित किया। शीघ्रता में ये संवाद लिख देते हैं और जो कि गलत भी, कभी कभी गलत समाचार भी देते हैं। पत्र हमारे लिए धरोहर क्यों है? क्योंकि हम इस पत्र को बहुत सालों तक, कई सालों तक संजो कर रख सकते हैं। ये पत्र कभी नष्ट नहीं होते हैं। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बीच भी चिट्ठी पत्री की हैसियत किस प्रकार बरकरार है? क्योंकि लोग इससे ऐसा है कि जैसे SMS है, इसके जो संदेश होते हैं इनके एक कुछ समय के लिए होते हैं, फिर बाद में ये समाप्त कर दिए जाते हैं। परंतु पत्र को हम एक धरोहर के रूप में संजोकर रख सकते हैं, इसीलिए पत्र का विशेष महत्व है। आज बस इतना ही, शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।